नमस्कार दोस्तों, इमित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से कार लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे के अंदर बात करेंगे। बताएंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको बैंक से कार लोन लेने के लिए बैंक आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अगर आप भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको जो इस वीडियो के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए, ताकि जब भी आप बैंक से कार लोन लेने के लिए जाए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार रहे। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बैंक आपसे मांग कर सकता है। सबसे पहले एक नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कार लोन लेने के लिए पहचान का प्रमाण बैंक को देना होगा। पहचान के लिए आप पैन कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट की फोटोकॉपी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरे नंबर डॉक्यूमेंट्स की हमारे को आवश्यकता होगी वो है एज प्रूफ, यानी आपको आयु का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी आयु 18 साल से अधिक है या नहीं। तो एज प्रूफ के तौर पर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या फिर आप 10th या 12th की मार्कशीट दे सकते हैं। बात करें चौथे नंबर डॉक्यूमेंट्स की तो आपको कुछ फोटोग्राफ की, यानी आपको पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता होगी। तो आप 4 से 5 पासपोर्ट साइज अपने साथ लेकर जाए, ताकि आपसे बैंक जब भी पासपोर्ट साइज फोटो मांगे तो आप दे सके। इसी के साथ आपको पांचवें नंबर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो है कार के आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आप जिस भी मॉडल की कार आप खरीद रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी आप कार खरीद रहे हैं उस कार के आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ताकि बैंक वाले ये प्रूफ के साथ ये देख सके कि आप कौन सी कार के ऊपर लोन ले रहे हैं। इसी के साथ छठे नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर आपको 6 महीने का आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको लेकर जाना है। बैंक अपने अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से निकलवा सकते हैं। बैंक कर्मचारी आपको एक एप्लीकेशन लिखकर आपको बैंक में देना है। आपको कुछ देर के अंदर ही बैंक कर्मचारी आपके बैंक का 6 महीने का लेन देन का स्टेटमेंट निकाल कर दे देंगे। इसी के साथ सातवें नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आयकर रिटर्न जैसे आमदनी के आपको इनकम प्रूफ के तौर पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे जाएंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं। इसी के साथ कुछ बैंक वाले मांगते हैं ये चीज और कुछ वाले नहीं मांगते, जैसे कार का इंश्योरेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस आपसे कुछ बैंक यहाँ पर मांग सकते हैं। तो यह कुछ 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप भी कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए, ताकि आप जब भी किसी भी बैंक, यानी सरकारी या प्राइवेट बैंक जो भी बैंक हो, उससे कार लोन लेने के लिए जाए तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स साथ रहेंगे तो आपका कुछ ही समय के अंदर काम हो जाएगा और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।